हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए हर एक मेडिकल स्टूडेंट को, इसलिए मैं एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को अच्छे से याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो उसका जो मेनमोनिक है वो है स्मेल वर्ड। आप स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं उसको स्मेल वर्ड से याद रखेंगे। एस स्टैंड्स फॉर सुक्रेज, एम फॉर मेल्टेज, ई स्टैंड्स फॉर एरेपसाइन, एल स्टैंड्स फॉर लाइपेज एंड एल स्टैंड्स फॉर लैक्टेज। तो ये 5 एंजाइम्स हैं, इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिसको आप स्मेल मेनमोनिक से याद रखेंगे। और ये जो एंजाइम्स हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इनका सिक्रीशन नॉर्मल लेवल पे ना हो तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं वो अल्टर हो सकते हैं। सो कीप रिमेंबर दीज स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स विद दिस वर्ड मेनमोनिक, स्मेल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।